हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में जो हम रश टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को हम आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में दो रस पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने श्रृंगार रस, जिसके दो भेद थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब और दूसरा पढ़ा था हमने वेद रस। ठीक है, तो ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, इनके उदाहरण भी देख लिए। आज हम पढ़ेंगे अगला रस। अगला रस है करुण रस। ठीक है, तो आज हम इन दो से आगे रस नंबर तीन, ये आगे पीछे कोई भी किसी भी नंबर पर आप कर सकते हैं। यानी करुण रस दूसरे पे भी हो सकता है, पांचवे पे भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीसरे पे ही आएगा या चौथे पे ही आएगा, ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करुण रस होता क्या है। करुण रस में किसी प्रियजन के कष्ट, यानी करुण रस कब उत्पन्न होता है हृदय में, जब किसी प्रियजन के कष्ट, दुख अथवा किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर, यानी या तो कोई इतना प्यारा बंदा है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे कोई कष्ट हो जाए, जैसे अपने रिलेटिव में कोई घटना घट जाती है तो हमें दुख होता है। ठीक है ना, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो हमें बहुत ही अच्छी लगती हो, हमारी बहुत ही प्रिय वस्तु हो, वो गुम हो जाए या टूट जाए, तो उस समय जो हमारे हृदय में जो पीड़ा या दुख का भाव उत्पन्न होता है वहां करुण रस होता है। समझ गए? करुण रस कब उत्पन्न होता है? जब किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु के खो जाने, नष्ट हो जाने, या किसी व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाता है, कोई दुख हो जाता है, तब हमें हमारे हृदय में, यानी रसों का सीधा संबंध किससे है? हृदय से। बाकी जो रस होते हैं, जो लौकिक रस मैंने आपको बताए थे, वो फलों के रस होते हैं, लेकिन ये जो रस होते हैं ये हमारे हृदय से संबंधित है। यानी करुण रस तब उत्पन्न होता है हमारे हृदय में जब हमारे साथ या हमारे किसी साथी के साथ या हमारे किसी वस्तु के साथ कोई अनहोनी घट जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब हमारे हृदय में दुख का भाव उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब वो करुण रस पैदा होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अब इसमें आपको पता चलेगा कि दुख प्रकट हो रहा है। हा राम, हा मतलब हाय, हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी का भाई या तो पुत्र के साथ कोई घटना घट गई या किसी के पति के साथ कोई घटना घट गई, तो वो कहती है कि हे राम, हे प्राण, कि अब मैं किसके सहारे जीवित रहूं। यानी कोई ऐसी घटना घट गई कि उसके जीने का सहारा समाप्त हो गया, तो ये दुख हो गया ना, तो इसमें क्या, कौन सा रस हुआ? करुण रस। हंसी तो आएगी नहीं इसको देखकर भाई, अगर हम ऐसी पंक्तियां देखेंगे पढ़ेंगे तो हंसी के भाव तो उत्पन्न नहीं होंगे ना, क्रोध के भाव उत्पन्न होंगे। भाई किसी के साथ, किसी के घर में कोई अनहोनी घट जाती है, मान लो किसी के घर में कोई जवान मृत्यु हो जाती है, तो हम वहां जाते हैं, चाहे हम उसको जानते भी नहीं है, लेकिन उनके दुख को देखकर दुख तो होता ही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, करुण रस उत्पन्न हो गया। यानी हमारे हृदय में भी दुख के भाव पैदा हुए हैं। समझ गए? अब ये भाव हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, जो स्थाई भाव है शोक, जो करुण रस का जो स्थाई भाव है शोक, वो हमारे हृदय में हमेशा रहता है, लेकिन वो उत्पन्न कब होता है?
जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं या ऐसी हमारे साथ कोई घटना होती है, और वो कब होती है, वो स्थायी भाव जागृत कब होते हैं, जब संचारी भाव उनके साथ छेड़खानी करते हैं, कहने का मतलब वो उनको टच कर जाते हैं, वो उनको जगा जाते हैं जो स्थायी भाव होते हैं, फिर वो कई दिन तक उस दुख को हम भूल नहीं पाते हैं। वो संचारी भाव तो चले जाते हैं, वो तो थोड़ी सी देर के लिए उत्पन्न होते हैं, लेकिन रह रहकर वो बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, जो घटनाएं घट जाती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अच्छी बात होती है उसको भी हम याद कर करके बहुत खुश होते हैं, जो हमारे साथ बुरी घटना हो जाती है उसको भी हम बहुत याद करते हैं, तो उससे दुख उत्पन्न होता है। अच्छी होती है उससे खुशी हो जाती है, तो वो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो पहला उदाहरण है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। आप ऐसे छोटे छोटे जो उदाहरण है उनको याद कीजिए। ठीक है, वैसे आते बहुत बड़े भी हैं, क्योंकि काव्य पंक्तियां भी पूरा इतना पूरा भी गद्यांश पद्यांश होता है, उसमें भी कोई ना कोई रस तो होता है, लेकिन जब हमें उदाहरण लिखना होता है, जब पेपर में आता है कि आप करुण रस का एक उदाहरण लिखिए, तो आप बड़ा बहुत बड़ा याद ना करके इतना छोटा सा याद कीजिए, ताकि उसमें गलतियां ना हो, गलतियां होने की संभावनाएं कम से कम हो। ठीक है बेटा, अगला उदाहरण देखिए इसी का, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। समझ गए ना, प्राण प्यारा किसको कहते हैं, पुत्र को ही कहेगी माँ तो प्राण प्यारा, पुत्र ही होता है माँ के लिए तो प्राणों से प्यारा। कहती है प्रिय पति, अपने पति से पूछती है कि वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, यानी जब मैं दुखों के सागर में डूबूंगी तो मुझे सहारा देने वाला मेरा पुत्र कहाँ है। तो इससे क्या हुआ, दुख उत्पन्न हुआ ना, तो ये क्या हुआ, करुण रस है। और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, करुण रस के, जैसे कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या की रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। यानी जब कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ था उस समय सब मारे गए थे, और उनको रोने के लिए उनका दुख मनाने के लिए कौन बचा, एक विधवा और एक अंधा। तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, करुण रस। या फिर ये भी हो सकता है कि दो टूक कलेजे के करता, दो टूक करना तोड़ देना, उसको कलेजे को तोड़ना। और वो कलेजा कब टूटता है, जब कोई ऐसी घटना देखते हैं हम, तो कहता है दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों एक है एक, जल रहा लकुटिया टीक। यानी जो जैसे आपने देखे होंगे कई बार ये खेल करने वाले होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो कि कैसे कैसे खतरे से भरे हुए कारनामे करवाते हैं, तो दुख तो होता ही है, हमें तो डर लगता है, अरे वो इतना छोटा बच्चा इतनी पतली सी तार पर चलता है, तो हमें डर नहीं लगता है, दुख नहीं होता है। तो इसलिए उसमें भी क्या होगा कि देखो ये पेट भरने के लिए मुट्ठी भर दाने, आगे इसमें क्या है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता। यानी एक मुट्ठी दाने के लिए अपना पेट भरने के लिए वो सारे दिन भीख मांगता है, वो खेल दिखाता है, फिर उससे पैसा मांगता है या दाने मांगता है, तो वो क्या हो गया, करुण रस। ठीक है, समझ आया, एक बार किताब में पढ़ के देख लेना, आपकी मैडम ने बहुत अच्छे से लिखवा रखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत अच्छे से लिखवाती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके वो लिखवाती है, मेरे से भी ज्यादा, तो इसलिए उनको पढ़ लेना, उदाहरण छोटे से छोटे याद कर लेना, क्योंकि बड़े याद करने में लिखने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप उदाहरण जो याद करो वो बहुत छोटे हो, जो आपको आसान लगे बहुत छोटे लगे और बहुत ही आसान लगे, जिनकी लैंग्वेज बहुत आसान हो वो याद कर लेना। ठीक है बेटा, अब अगला हमारा रस होगा हास्य रस। कौन सा, नंबर चार। हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना। ठीक है, और इसका स्थायी भाव होता है हास, हास यानी हंसी। अब वो हंसी कब उत्पन्न होती है, या तो कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज देखते हैं,
तब हंसी आती है, या कोई ऐसी कहानी पढ़ लेते हैं है ना, या फिर कोई वेशभूषा किसी ने ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन रखे होते तब लगता है अभी देखो इसने क्या पहन रखा है ना, तो उसके ये अच्छा पूरा ही कार्टून बन रहा है। तो वो क्या है, उनको देखकर जब हंसी आती है तो क्या होगा, जहां किसी विचित्र आकृति यानी कोई ऐसी हो, आश्चर्यजनक कोई वस्तु हो, आकृति हो, वेशभूषा यानी कोई विचित्र वेशभूषा पहन रखी हो, या विचित्र रंग रूप, या फिर ऐसा कोई व्यवहार करता हो, या ऐसे क्रियाकलापों को पढ़कर यानी या, तो हम पढ़े कई बार पढ़कर भी तो बहुत हंसी आती है, देखकर या फिर हम टीवी में देखते हैं या वैसे देखते हैं, सुनकर हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहां हास्य रस होता है। समझ गए, जहां ऐसी चीजों को विचित्र चीजों को हम देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो हमारे हृदय में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां हमारा क्या होता है, हास्य रस। समझ गए, अब उदाहरण देखिए, कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, यानी अपने दोस्त को जो पैसे देगा वो तो मूर्ख होगा, ठीक है ना। महामूर्ख वो यार है जो पैसे लौटाए, यानी वो उससे भी बड़ा मूर्ख है, जो वापिस भी मित्र के हैं वो तो अपने ही हैं। तो इसलिए क्या होगा कि कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसे लौटाए। अगला, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, यानी जिसके सिर में बाल ही नहीं है तो बुरे समय को देखकर क्या रोएगा, कहता है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, तेरे सिर पे तो बाल तो है ही नहीं, बाका कहां से होएगा, समझ गए ना। या फिर एक आपकी किताब में दिया है, हाथी जैसी देहे है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये भी क्या है, हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। ये सब क्या होंगे, हास्य रस में होंगे। समझ गए, जिसे देखकर हंसी आती हो वहां क्या होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए दो रसी काफी, आप दो दो करके ही पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। ये इनमें बेटा ऐसे कोई साइंस मैथ की तरह कोई फॉर्मूले तो है नहीं कि हमने फॉर्मूला उठाया और अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ये तो आपने बस इनकी परिभाषाएं समझनी है और उनसे आपको उदाहरण याद करने हैं, समझने हैं अधिक से, यानी ये तब आएंगे आपको जब आप अधिक से अधिक काव्य पंक्तियां पढ़ोगे और उनका रस का पता लगाओगे, ठीक है। आजकल नेट पे भी बहुत सर्च करोगे तो मिल जाते हैं उदाहरण भी, ठीक है। इसलिए अपना रिवीजन करते रहना, मेरे से हो सकेगा जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो फिर दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।